अगर आप भी सरकारी नौकरी करने का सपना रखते हैं और बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी साबित हो सकती है। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा हाल ही में 145 पदों पर नियुक्तियां जारी की गई हैं। अगर आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं, तो हम आपको देने जा रहे हैं इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारी विस्तार से। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने पिछले दिनों स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ के सैकड़ों पदों पर भर्तियां निकालकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। अब आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है और जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वो जल्द से जल्द पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जो भी इच्छुक उम्मीदवार इसमें आवेदन करना चाहें, वो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन की अंतिम तारीख 7 मई 2022 है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अब जानते हैं कि किन पदों पर कितनी रिक्तियां पीएनबी ने निकाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार मैनेजर रिस्क के 40 पदों, मैनेजर क्रेडिट के 100 पदों और सीनियर मैनेजर के 5 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो आवेदन की अंतिम तारीख है 7 मई 2022 और लिखित परीक्षा की तिथि है 12 जून 2022। अब बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले आपको पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाना होगा। होम पेज पर करियर सेक्शन पर जाएं और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। अब पूछी गई जानकारी भरें और सबमिट करें। आपको पंजीकरण संख्या और पासवर्ड मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो पासवर्ड में बदलाव कर सकते हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर जाकर क्लिक कर दें। इस तरह आपके पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। अब नजर डाल लेते हैं एक सबसे जरूरी बात पर, जो कि है शैक्षणिक योग्यता। पीएनबी के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित फील्ड में 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 साल और अधिकतम आयु 35 साल होनी चाहिए। सीनियर मैनेजर के पद पर अधिकतम उम्र 37 साल निर्धारित की गई है। इस बारे में और जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर जो लोग इसमें जगह बनाएंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और चयनित प्रत्याशियों की सैलरी 48,170 रुपए प्रति माह से 78,230 रुपए प्रति माह होगी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो आप भी अपने सपनों को उड़ान दें और जॉब एंड करियर से रिलेटेड तमाम लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए फौरन सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक न जाएं।